Hi guys, it's me, your favorite. Hi guys, welcome back to my channel. Today is the day we are creating history because 3 saal pehle hum ye vlog banaye the jisme jo mera pehla vlog tha jo ki viral gaya tha and I became internet sensation. So today I thought why not create the history that you created once. So let's do it. I have already done my makeup और मेरे पास सिर्फ 2 साड़ी और 2 सूट है और साड़ी जो ऐसा है ना हमको नहीं पहन सकते क्योंकि उसके बाद मेरे पास ब्लाउज नहीं है तो साड़ी का ओकेजन आई एम कीपिंग फॉर माई ग्रेजुएशन डे. अभी के लिए वी आर गोइंग फॉर 2 सूट्स, एक ब्लैक है और एक पिंक है. ब्लैक पहनेंगे तो कोरियन जैसे लगेंगे, पिंक पहनेंगे तो अपने जैसे लगेंगे, तो हम ब्लैक नहीं पहनेंगे क्योंकि हमको क्राउड में मिक्स होना पसंद नहीं है. सबको ब्लैक ही पहन रहेगा तो वी आर गोइंग फॉर पिंक. आई शो यू गाइस, सो दिस इज द ब्लैक वन, इसमें थोड़ा सा चिकनकारी का ऐसे धागे का काम है एंड दिस इज द पिंक वन. आई एम गोइंग विद द पिंक वन बिकॉज पिंक पहनेंगे थोड़ा क्राउड में डिफरेंट लगने वाले हैं एंड ब्लैक पहनेंगे तो मिल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है चैलेंज करने का. सो आई एम गोइंग फॉर द पिंक. 1, 2, 3. दिस इज अ शरारा बाय द वे. अभी हम कैसे दिखाए ना आपको, तो हम बाद में दिखाते हैं बाहर जाके. एंड दिस इज दुपट्टा. Not taking it this way, but oh my god! And I thought कि मेरे पास बिंदी नहीं है, तो I'm taking this Lakme का eyeliner and putting a small bindi. क्योंकि बिंदी लगाने से शक्ल चेंज हो जाता है यार. अब मैं सारा गोल होंगे. मम्मा लग रहे ना तुम्हारी मम्मा. And now for earrings, I'm not going for a lot of jewellery. Some other jewellery पसंद नहीं है. तो I'm going with this झुमकास from सरोजनी नगर. Oh, हम तो डांस भी कर लेंगे. वैसे हमको अपना assignment बनाना है. उसके बाद I'll try to do some of the challenges. Asuma के लिए I'm getting ready. Hi Asuma, आपके बेटी को बहुत प्यार करेंगे. Of course आपसे ज़्यादा नहीं करेंगे. ना बुरा मन जाएंगे लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट. लिपस्टिक्स आई एम गोइंग फॉर ब्राउन शेड विच इज माई फेवरेट ऑफ कोर्स, और पिंक के साथ शायद अच्छा जाएगा. पिंक ऑन पिंक हम नहीं सोच रहे हैं. तो पिंक इज फ्रॉम शैम्बर, इसका शेड है 484. आई नायका से लिए थे हम लेकिन आई डोंट नो. And then after that I'll use this lip oil. Lip oil? Yeah! Dior का lip oil. क्योंकि who doesn't like shiny lips? We are all ready. So आज का schedule. Oh my god, ICSE, CBSE दोनों समझ लेना हम schedule बोले वाले हैं. तो ये है कि we are going to cafe to finish my assignment, मेरा presentation है next week, तुमको वो बनाना. Then we are going for grocery shopping क्योंकि हम diet पे हैं, तो हमको कुछ vegetables लेना है. Then go to CVS or something. Guys, so I am ready. Full outfit तो हम बाहर जाके दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे ठंडा कम हो चुका है तो I'm not thinking of wearing a jacket. Instead I'm going to take my mother's शॉल जो कि बहुत पुराना है एंड आई लव टेकिंग दैट. अपना अपना फील आता है. दिस इज माय मदर्स शॉल, ये मेरी मम्मी का शॉल है बहुत पुराना और हम इसको ना पिछले साल से अपने पास रखे हैं. एंड देन इफ आई फील कोल्ड आई जस्ट वेयर इट. ओह माय गॉड, मुझे शादी करा दो. विवाह के स्टार कास्ट नहीं लग रहे क्या? जल लीजिए, थक गए होंगे आप. सो गाइस, आई डोंट हैव अ स्लीपर या फिर कोई भी सैंडल्स के लिए तो हम नाइकी शूज पहनने वाले हैं. किसको पता नहीं चलेगा क्योंकि शरारा एकदम अंदर तक जाता है. यू नो व्हाट आई से. गाइस आई एम गोइंग टू द कैफे. देखा भी नहीं हमको, शर्म नहीं आता इसको इतनी सुंदर लड़की इग्नोर करने में. हम पिछले बार जब ये व्लॉग बनाए थे तो हम इतना व्लॉगिंग नहीं किए थे लेकिन हम रास्ता में व्लॉग करते हैं. तो हम कैफ़े जा रहे हैं. सबसे पहले मेरे घर के पास कैफ़े है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं. थोड़ा शाय हो रहा है. गाइस
गाइस हम लोग अपना कैफे ऑर्डर कर लिए, कॉफी कॉफी नहीं है वो टी है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर अ बिट एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर. गाइज हम पढ़ लिए, हम पढ़ने गए थे 2:30 बजे और अभी बज रहा 5:30 और मेरा दिमाग का निकल चुका है बोल रहा ठीक है. तो हमको अब तो लैपटॉप देखने का मन नहीं कर रहा और हमको बहुत तेज का भूख लगा और हम डाइट पे हैं तो हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं सिवाय चिकन और ये प्रोटीन और सबके दिमाग का बत्ती बंद हो चुका है. तो आई एम गोइंग टू CVS ताकि हमको कुछ तो मिल जाए खाने को, क्योंकि हमको बनाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा है. एंड आई चेंज द शॉल लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ चुका है यहाँ पे. हमको आई डोंट हैव फ्रेंड्स आई थिंक, क्योंकि सारे फ्रेंड्स का जॉब लग गया शायद और जो हैं वो यहाँ है नहीं. आई डोंट हैव फ्रेंड्स तो अकेले करना पड़ रहा है. लेकिन एनीवे वी आर गोइंग टू CVS टू ईट समथिंग. मेनली हमको लगता है कि हम CVS जाके कुछ भी नहीं मिलता है, हम सॉसेज खाने वाले हैं. लेकिन वी आर इन CVS और मेरा एक ही चॉइस है यहाँ पे खाने का, क्योंकि डाइट मेरा जान ले चुका है तो यहाँ पे सॉसेजेस का बहुत डिमांड है तो हम सॉसेजेस खाएं. दीज आर द ऑप्शंस आई हैव टू ईट यहाँ से. तो मेरा फेवरेट सॉसेज ये है या फिर ये, इसमें से कुछ खा सकते हैं. तो लेट्स सी, दिस इज द सॉसेज आप देख आ जाओ. मतलब सोचेगा क्या पागलपन मचा के रखी है. क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना बनाने को और हमको रात में कुक करना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर नहीं खा सकते हैं. ऑफ कोर्स जो मेरे मुंह पे ही आ रहा है. आई एम सो स्केर्ड दिस नेबरहुड में ना सबसे ज़्यादा आजू माँ जो शीज रहते हैं और हमको लगता है ना मेरे मुंह पे आके कुछ बोलना देंगे क्या कर रही है या फिर कुछ भी बकवास बोलना देंगे. आई एम नॉट स्केर्ड कि हम सुन लेंगे हमको बोल देगा वो लोग, आई एम स्केर्ड कि मेरे मुँह से क्या निकल जाएगा फिर वापस में, जो कि फिर हमको रिग्रेट हुआ कि हम इतने गंदे इंसान तो नहीं है कि हम बोल दिए उन लोग को. You know what I'm saying? So guys, मेरे घर के पास ही एक बड़ा सा सिजांग है, बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और चिकन मटन सारा तरह का मीट सब कुछ मिलेगा. बहुत बड़ा सिजांग है तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर शॉपिंग वहीं से ले करते हैं.정말 잘 알고 있네.
तंधा मीरा बक्षी उत्तन नाराय ओत इन्नन जी बक्षी उत्तन नाराय उस जो अन्य है अन्य उत्तन नाराय है मैं अफ्रीका सो अफ्रीका नहीं अन्य है ओजी जी कम है आ जो गेस्ट हन गेस्ट हन बने चुके हैं चुचुक हन बने चुके हैं हम ऐसे सेंगा क्या नसरे जी को अन्य को अल्जीरिया अन्य आसिया आशा है इसे आशा है आ चोगी चा इंडो मारे कज़ामिना कज़ामिना ये कज़ामिना भाई कौन से नारा में बिंदी लगाया जाता है कौन से कंट्री में बिंदी लगाया जाता है हमको समझ नहीं आ रहा है दिस इज योर दादी माँ रिपोर्टिंग लाइफ टू गिव यू सम लाइफ एडवाइसेस तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा और तुम अकेले मरोगे और तुम डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेसफुल नाइट्स इंसोम्निया सबके शिकार होने वाले हो तो लेट मी सेव यू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस बिकॉज एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं दूसरों के तो लेट मी गिव यू सम एडवाइस लेट मी पास इट ऑन I really don't like living alone now. I really hate it now. जितना भी मेरा motivation था कि अब हम कर सकते हैं हम तो inspiration बनेंगे सबके बाहर में गया सब I can't do anything हमको मम्मी वाले आना Oh my god, I changed. आप देख सकते हो ये मेरा ऊपर वाला सेम है पर हम चेंज कर लिए पजामा में एंड देन दिस शॉल रोनो दोनों गाइस आई कांट डू दिस एनीमोर हम लोग खाना बनाते हैं क्योंकि हमको लगता है वही चीज हमको ज्यादा सुकून दे सकता है तो पहले हम लोग बर्तन धो लेते हैं Guys, literally no one can save you. जो तुमको डिप्रेशन हो रहा है ना जो एंगजाइटी हो रहा है जो तुमको स्ट्रेस हो रहा है इतना तुमको बार बार लग रहा है कि तुम किसी से बात करो लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है नो वन कैन सेव यू दिस इज द एनर्जी यू गिविंग और इसकी वजह से लोग को लग रहा है कि तुम कितने वीक हो सब करके देख लिए ये हम ऐसे बोले के लिए नहीं बोल रहे सब करके देख लिए I was trying to reach out to my friends, but they are so busy. Like, एक एज आता है ना जहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि सारे लोग कितने मतलबी होते हैं कि तुम हाँ अगर तुमसे कोई काम है तो तुमको फोन करेंगे हम अपने लिए भी बोल रहे हैं मेरे साथ भी हम भी ऐसा किए हैं बहुत बार लेकिन अब हम फील हो गया है कि ना जब तुमसे काम हो ना लोगों को तभी वो तुम्हारे पास आएंगे वो एज में आ चुके हैं और हमको लग रहा है वो जेनरेशन ही ऐसा हो गया इस एज में कि जो पहले के दोस्त है ना जो बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है उनसे ही तुम्हारा कुछ हो सकता है वरना ऐसे तो डोंट इवन थिंक कि तुम्हारे पास दोस्त है तो इसको सबसे अच्छा चीज़ है इसको दूर करने के लिए कि आप खाना बनाओ अच्छे और खाना खाओ अपने अच्छे और एक टाइम आएगा जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे कि आपको लगेगा कि आपको तो किसी की जरूरत नहीं है तब वो लोग आपके पास आएंगे फिर से लेकिन ना उस समय ना आप ना भूलना मत कि आपको ये फील हुआ था अभी के लिए लेट्स कुक चिकन क्योंकि जो भी हो रहा है ना ये हमको लगता है सबके साथ हो रहा है अभी गाइस मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है 25 तारीख तक अभी तो झेलना ही पड़ेगा ये रन ऑफ माई एग्स आर कमिंग बैक कैसे आएंगे सब शादी हो गई है हम ही एक बेकार बचे हुए दुनिया में जिसको और पढ़ाई करना था स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बन के हम पागल हो चुके हैं हमको शादी करना है हमको घर वाली बनना है गाइस गाइस द एंड ऑफ ऑल योर सफरिंग्स कम्स फ्रॉम फूड सो दिस इज माय चिकन एंड माय राइस आज का दिन में हम ये लेसन पढ़े कि बी सेल्फ सफिशिएंट कोई तुमको सेव करने नहीं आने वाला है तुमको लग रहा है कि तुमको कोई चाहिए लेकिन तुमको तुम चाहिए तुमको और कोई नहीं चाहिए क्योंकि कोई और आके तुमको हेल्प नहीं कर देगा मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है खुशी ना दूसरों में ढूंढोगे दूसरों से बात करना चाहोगे कि हमको खुशी मिल जाएगा ओह माय गॉड वेट अ सेकंड मेरी मम्मी में ही मेरा खुशी है बस तो अगर आपको लग रहा है कि आपको दूसरे से बात करके खुशी मिल रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं है वो अपना एस्केप है आपको अपने वर्ल्ड से जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं सुधारोगे तब तक आप ठीक से कुछ नहीं कर पाओगे आज बात कर लोगे कल बात कर लोगे परसों बात कर लोगे किसी से लेकिन बाद में तो आपको अपने खुद के साथ रहना है तो ट्राई ईटिंग गुड फूड एंड ट्राई वर्किंग ऑन योर सेल्फ ताकि आप अपने आप को सही से संभाल के रखो और फ्यूचर में आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट ना हो Beautiful. This was it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed it.